हेलो, घर पे सब ठीक है? हाँ, मैंने पैसे भेज दिए। हेलो हेलो, नेटवर्क को क्या हुआ है? नेटवर्क चला गया है। हेलो, क्या एक दबाना है? अच्छा, सोशल मीडिया के मुताबिक आपके मोबाइल फोन में नेटवर्क मुहैया करवाने के लिए जो फोन आएगा वो आपसे फोन में कीबोर्ड पर एक का बटन दबाने को कहेगा और ऐसा करते ही आपके बैंक अकाउंट खाली होने का रास्ता साफ हो जाएगा। सोशल मीडिया पर मोबाइल फोन में नेटवर्क देने के बहाने बैंक अकाउंट लूटने वाली कॉल की कहानी सुनाई जा रही है। मतलब चंद सेकंड के लिए मोबाइल फोन से गायब हुआ नेटवर्क आपके बैंक अकाउंट को खाली करने का इंतजाम कर देगा। ये पूरी कहानी अंग्रेजी में लिखे इस मैसेज के जरिए सुनाई जा रही है। मैसेज में लूट के इस प्लान को सिम स्वैप का नाम दिया गया है। मैसेज में लिखा है, हमारे ग्राहक के साथ धोखाधड़ी हुई है और उसके अकाउंट से पैसे निकाल लिए गए हैं। इन दिनों सिम स्वैप नाम का एक नया फ्रॉड हो रहा है। इसमें आपके फोन पर नेटवर्क गायब हो जाएगा और उसके कुछ देर बाद आपके पास एक फोन आएगा। व्यक्ति आपको बताएगा कि वो एयरटेल, वोडाफोन या जियो से फोन कर रहा है और आपके मोबाइल नेटवर्क में कोई दिक्कत है, इसलिए नेटवर्क वापस पाने के लिए एक का बटन दबाएं। आप जैसे ही अपने मोबाइल पर एक का बटन दबाएंगे नेटवर्क फिर से गायब हो जाएगा और इसका मतलब है कि आपका फोन हैक हो गया है। यही सिम स्वैप फ्रॉड है। मैसेज के मुताबिक जैसे ही आप स्विम स्वैप वाले इस फ्रॉड में फंसे, मतलब आपका मोबाइल फोन हैक हो चुका है और अब आपका बैंक खाता लूटने वाला है। मोबाइल हैक करने वाले लोग कुछ ही सेकंड में आपका बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, लेकिन फोन बंद होने की वजह से बैंक की तरफ से पैसे निकालने की कोई जानकारी नहीं मिलेगी, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। सोशल मीडिया पर घूम रहे सिम स्वैप नाम के इस मैसेज को देखने के बाद जिन्हें लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो चैनल बदलने से पहले कुछ देर रुकें और देखें कि हमें शुरुआती जांच में क्या मिला। हमने जैसे ही इंटरनेट पर सिम स्वैप नाम से ढूंढना शुरू किया, अलग अलग अखबारों और वेबसाइट पर हमें तमाम खबरें मिलनी शुरू हो गई। एशियन एज से लेकर लाइव मिंट और बिजनेस स्टैंडर्ड तक की वेबसाइट पर सिम स्वैप नाम से ऐसी खबरें दिखाई दी। एशियन एज की इसी साल 23 मई की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 के पहले चार महीने में ही सिम स्वैप के 20,351 मामले सामने आ चुके हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड ने अपनी खबर में लिखा था, सिम स्वैप फ्रॉड, पैसे चुराने का नया तरीका। ये देखने के बाद इतना तो साफ था कि सिम स्वैप नाम